Welcome to Advanced Computing. I am Seema Dubey. I have done MSc in Computer Science. I have also done PG DAC from CDAC. I have 20 years of teaching experience as a computer faculty. आज मैं जैसे मैं आपको प्रीवियस लेक्चर में बता चुकी हूँ एक्सेल के बारे में कि एक्सेल क्या है, क्या इसका एडवांटेज है. आज मैं इसको बताती हूँ किस तरह इसको ओपन कर सकते हैं, किस तरह नया क्रिएट कर सकते हैं, कैसे सेव कर सकते हैं, और सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक में जो मैं आपको बताऊँगी 2013 में कैसे मैं आपको इसमें प्रोटेक्ट कर सकते हैं शीट को. तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, एक्सेल 2013 आपको ओपन करना पड़ेगा. इसके लिए सबसे पहले आपको नया वर्कबुक आपको क्रिएट करना पड़ेगा. सबसे पहले टॉपिक क्रिएटिंग अ न्यू वर्कबुक. इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, फाइल मेनू में जाना पड़ेगा. फाइल मेनू में आपको न्यू ऑप्शन सेलेक्ट करना पड़ेगा. इसमें जैसे ही आप न्यू ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं तो आपका ब्लैंक वर्कबुक ओपन होगा. ठीक है, जैसे ब्लैंक वर्कबुक ओपन होगा तो आपके पास जैसे मैंने ये शीट प्रिपेयर किया है तो वहाँ आपके कॉलम्स होंगे, जैसे ए बी सी डी ई एफ, ये सारे आपके कॉलम्स हैं और ये आपके रो नंबर है 1 2 3 4 5 6. तो यहाँ पर मैंने शीट प्रिपेयर किया है, यहाँ डिज़ाइन कर दिया है बोर्ड में. और सबसे पहले आपको जो भी शीट प्रिपेयर करोगे उसमें सबके आपके सेल रहते हैं, जो भी कॉलम और रो के नंबर के इंटरसेक्शन से आपका सेल बनता है. तो सेल इज द इंटरसेक्शन ऑफ कॉलम एंड रो. इसमें आपको हर सेल का एक एड्रेस होता है. जैसे मैंने यहाँ हेडिंग डाली है आइटम सेल्स रिपोर्ट. ठीक है, आइटम सेल्स रिपोर्ट में क्या करना पड़ेगा आपको, बी वन में मैंने लिखा है आइटम, सी वन में मैंने लिखा है सेल्स और डी वन में इसका रिपोर्ट लिखा है. तो ये आपके सारे क्या हैं, सेल एड्रेस हैं. इसमें मैंने हेडिंग दी है आइटम सेल्स प्राइस और अमाउंट. आइटम में मैंने सारे जो भी अमाउंट है, जो भी आप शीट प्रिपेयर करना चाहते हो उसके आप आइटम दोगे. पहला है पेन, पेंसिल, इरेजर, एग्जांपल के तौर पर मैंने ये लिया है. इनकी क्वांटिटी मैंने लिखी है 532 और प्राइस दिया है, एक पेन का प्राइस है 12 और पेंसिल का एक पेन का प्राइस है 3 रुपीज और इरेजर का है 2 रुपीज़ है. अब हमारा एम क्या है, मैंने पहले आपको बताया है कि एक्सेल का यूज़ ऑटोमेटिक रिकैलकुलेशन में यूज़ किया जाता है. इसके बहुत सारे यूजेस हैं और बहुत सारे फॉर्मूले बेस्ड हैं. जो भी एक्सेल में हम काम करेंगे बहुत सारे फॉर्मूला यूज़ करेंगे. और सबसे बड़ा एडवांटेज क्या रहता है कि अगर आपको नया फॉर्मूले बनाना है, यूजर डिफाइंड फॉर्मूले बनाना है, तो उसके लिए आप मैक्रो यूज़ कर सकते हैं. तो मैक्रो यूज़ करने के लिए मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको मैक्रो कैसे यूज़ किया जाता है वो मैं आपको बताऊँगी. अभी मैंने शीट प्रिपेयर किया है. अब हमारा एम क्या है कि कैसे इसको मल्टीप्लाई करें, कैसे इसका प्रोडक्ट निकालें. तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, यहाँ पर आपको सेल पॉइंटर मूव करना पड़ेगा. जैसे सेल पॉइंटर इस एड्रेस में आ जाएगा E3 में, तो फिर वहाँ आपको फॉर्मूला देना है. तो फॉर्मूला देने के लिए आपको सबसे पहले इक्वल टू साइन यूज़ करना है. इक्वल टू साइन के बाद आपको फॉर्मूले का नाम देना है. तो जैसे मेरा फॉर्मूला मल्टीप्लाई करने के लिए कौन सा फॉर्मूला है, प्रोडक्ट. समझ में है, प्रोडक्ट इसका फॉर्मूला नहीं है मल्टीप्लाई करने के लिए. तो उसके बाद मैं ब्रैकेट ओपन करूंगी. तो उसके बाद हमारा क्वांटिटी का, जो पेन का क्वांटिटी कहाँ पे लिखा हुआ है, C3 पर, ये इसका सेल एड्रेस है. तो यहाँ पे हमने C3 लिखा है. अब दूसरा सेल एड्रेस देने के लिए इसका रेंज है. इसका रेंज देने के लिए हम इसमें कॉलन स्पेसिफाई करेंगे. तो मैंने C3 कॉलन टाइप किया और फिर मैंने कहा प्राइस कहाँ लिखा है, D3 में. तो यहाँ पर मैंने D3 टाइप किया. फिर उसके बाद हम इसको क्लोज कर देंगे. यहाँ आप डायरेक्ट ड्रैग एंड ड्रॉप भी कर सकते हो थ्रू द माउस. ठीक है, फिर इसके बाद मैंने यहाँ पर एंटर की प्रेस कर दिया. जैसे मैंने एंटर की प्रेस किया तो इसका पेन का आपका प्रोडक्ट निकाल के आ गया, मल्टीप्लाई होके आ गया 12 5 आपका 60. तो ये इसका आ गया. सपोज जो आप शीट प्रिपेयर कर रहे हो उसमें बहुत सारे आइटम हो सकते हैं, आपके 50 भी हो सकते हैं, 100 भी हो सकते हैं, 1000 भी हो सकते हैं. तो कहाँ कहाँ आप एक एक आइटम का मल्टीप्लाई करोगे या प्रोडक्ट निकालोगे, आप फॉर्मूला दोगे, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जो आप जिस सेल में, जो पहली सेल है आपकी जिसमें आपका प्रोडक्ट निकला हुआ है 60, यहाँ उसको सिलेक्ट करेंगे. वैसे सिलेक्ट करेंगे आप, प्लस साइन आपको डिस्प्ले होगा और इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर देंगे जहाँ तक आपके आइटम हैं. तो वहाँ पर आपके सारे आइटम्स के आपके प्रोडक्ट निकल के आ जाएंगे. जैसे पेंसिल का आ गया 3 3 9, इरेजर का आ गया 2 2 4. तो ये आपके सारे आपके प्रोडक्ट निकल के आ गए हैं. अब जो आपने शीट बनाई है, ये तो आपकी प्रिपेयर हो गई शीट कि सबसे पहले आपने इसको ओपन किया एक्सेल 2013 को, फिर उसके बाद आपने एक नया शीट ओपन किया, उसके बाद आपने शीट प्रिपेयर किया. अब इसके बाद शीट प्रिपेयर करने के बाद आपको सबसे पहले क्या करना है, इसको सेव करना है. सेव करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, फाइल मेनू में जाना है, सेव ऑप्शन यूज़ करना है. जैसे सेव ऑप्शन यूज़ करेंगे तो आपको कहाँ सेव करना है, किस ड्राइव में सेव करना है, किस फोल्डर में सेव करना है, कि डेस्कटॉप में सेव करना है, जहाँ आपका सेव हो डेटा. तो जनरली आपको सी में सेव नहीं करना चाहिए क्योंकि वहाँ ऑपरेटिंग सिस्टम रहता है, कभी फॉर्मेट हो सकता है सिस्टम, कुछ प्रॉब्लम हो सकती है. तो बेटर है कि आप इसको डी ड्राइव में सेव करें. तो दिस पीसी सेलेक्ट करेंगे, अगर आप विंडोज 10 यूज़ कर रहे हैं तो दिस पीसी से जाके आप डी ड्राइव, यहाँ आपका ड्राइव है, ये डी ड्राइव में आप सेलेक्ट करिए.
डी ड्राइव सिलेक्ट करिए, उसके बाद मेरा फोल्डर बना हुआ सीमा, आप अपने नाम का फोल्डर बना सकते हैं जहाँ पर आपको इम्पोर्टेंट डेटा आपको सेव करके रखना है। सीमा नाम का फोल्डर बना है, यहाँ मैंने इस शीट को आइटम नाम से सेव किया, फाइल का नाम क्या दिया है मैंने आइटम नाम से सेव किया। जैसे आइटम नाम से सेव किया तो बटन यहाँ पर एक रहेगी कमांड बटन सेव, उसमें आप क्लिक कर दीजिए तो आपका ये फाइल आपकी सेव हो जाएगी। उसके बाद आपको क्या करना है, इस फाइल को प्रोटेक्ट करना है पासवर्ड के थ्रू। जब भी आप इसको ओपन करो तो पहले आपसे पासवर्ड पूछे, तभी आप ये शीट को ओपन कर सकते हो, इस वर्कबुक को ओपन कर सकते हो। इससे अनऑथोराइज यूज़र हैं वो आपकी शीट को ओपन नहीं कर सकते, आपके वर्कबुक को ओपन नहीं कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको इसमें क्या करना पड़ेगा, प्रोटेक्ट द वर्कबुक। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, शीट को प्रोटेक्ट करने के लिए सबसे पहले आपको फाइल मेनू में जाना है। तो उसके हेडिंग क्या रहेगी आपकी, प्रोटेक्ट द वर्कबुक। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको फाइल मेनू में जाना पड़ेगा, इसमें एक ऑप्शन है इन्फो, ठीक है। इन्फो ऑप्शन में जैसे ही आप जाएंगे, इन्फो ऑप्शन को जैसे ही आप सेलेक्ट करेंगे तो एक और ऑप्शन आपका डिस्प्ले होगा, प्रोटेक्ट वर्कबुक। जैसे ही आप इसमें जाएंगे तो इसमें एक ऑप्शन डिस्प्ले होगा प्रोटेक्ट वर्कबुक। प्रोडक्ट वर्कबुक में जाने के बाद जैसे ही आप जाएंगे तो यहाँ एक ड्रॉप डाउन मेनू इसका डिस्प्ले होगा। ड्रॉप डाउन मेनू में एक ऑप्शन है इनक्रिप्ट विथ पासवर्ड, समझ में आ रहा है आप लोगों को। अगर आपने कौन सा ऑप्शन रहेगा इनक्रिप्ट विथ पासवर्ड, तो उस ऑप्शन को आप सिलेक्ट करेंगे। जैसे इस ऑप्शन को आप सेलेक्ट करेंगे तो एक प्रॉम्प्ट होगा, आपको एक टेक्स्ट बॉक्स डिस्प्ले होगा जिसमें लिखा रहेगा पासवर्ड। तो वहाँ पर आपको जो भी पासवर्ड देना चाहते हैं इस वर्कबुक को, जो भी आपको डिस्प्ले करना चाहते हैं या जो भी पासवर्ड देना चाहते हैं तो वो आप दे सकते हैं। लिखा रहेगा पासवर्ड और एक टेक्स्ट बॉक्स आपका डिस्प्ले होता रहेगा। जैसे सपोज मैंने पासवर्ड दे दिया AA, जैसे मैं इसको देख के एंटर करूँगी तो फिर आपसे पूछेगा री एंटर पासवर्ड, फिर एक और आपसे पूछेगा री एंटर, तो आपको सेम पासवर्ड डालना है। फिर मैंने ए डाल दिया और एंटर कर दिया। जैसे मैंने एंटर किया ये आपकी वर्कबुक है, जो भी शीट है आपकी क्या हो जाएगी, सेव हो जाएगी और प्रोटेक्ट हो जाएगी पासवर्ड के थ्रू। तो अब इसको ओके कर दीजिए तो ये आपका पासवर्ड इसमें सेव हो जाएगा। अब इसके बाद आपको चेक करना है कि जो भी हमने पासवर्ड दिया है वो आपका वो प्रोटेक्ट हुई है, या जो भी वर्कबुक है, जो भी शीट है आपका पासवर्ड दिया है वो प्रोटेक्ट हुई है कि नहीं हुई है। तो उसके लिए फिर आपको फाइल मेनू में जाके क्लोज ऑप्शन यूज़ करना है। क्लोज करने के बाद वो फाइल क्लोज हो जाएगी। फिर आपको उसको ओपन करने के लिए क्या करना पड़ेगा, फाइल मेनू में जाना है, ओपन। किस फोल्डर में मैंने सेव किया था, जैसे मैंने आपको बताया था मैंने डी ड्राइव में सेव किया है, सीमा फोल्डर के अंदर आइटम नाम से सेव किया है। तो ओपन करने के बाद पूरा पाथ है, जो आप दिस पीसी में जाएंगे, डी ड्राइव सेलेक्ट करेंगे, सीमा फोल्डर सेलेक्ट करेंगे, वहां पर आपको फाइल मिलेगी आइटम। उस आइटम को फाइल को आपको सेलेक्ट करना है, जैसे ही आप सेलेक्ट करके ओपन करेंगे तो ये शीट आपकी ओपन हो जाएगी। जैसे ही आप सेलेक्ट करके ओपन करोगे तो सबसे पहले स्क्रीन आएगी पासवर्ड। जैसे आप पासवर्ड दोगे AA, जैसे पासवर्ड दोगे AA तभी वो शीट आपकी ओपन होगी। तब तक आप पासवर्ड ही दोगे वो शीट ओपन नहीं होगी। आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरीज हो, अगर आपको कांटेक्ट करना है तो मेरा डिस्क्रिप्शन में मेरा कांटेक्ट आईडी और ईमेल आईडी और मेरा टेलीफोन नंबर वो आपको दिया हुआ है, तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा मैं नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको सम इफ और काउंट इफ, अगर आपको फॉर्मूले के बारे में जानना चाहते हैं तो वो नेक्स्ट लेक्चर में आपको दिखाऊंगी। थैंक यू।